नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आज पूरे जनपद में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी पेट 2021 का एग्जाम चल रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और सीसीटीवी कैमरों की जांच की। जिलाधिकारी ने बताया कि आज 69,000 परीक्षार्थी आज के परीक्षा में भाग ले रहे हैं। परीक्षा दो पालियों में चल रहा है। प्रथम पाली की परीक्षा सकुशल सम्पन्न हो गई है और दूसरी पाली की परीक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। आइए सुनाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। सर, आज पेट की परीक्षा का निरीक्षण किया गया केंद्र पर। हमारे जनपद में 69,000 परीक्षार्थी आज की परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। परीक्षा जो है दो पाली में है, सुबह 10 से 12 थी, वो सकुशल संपन्न हुई है और कोई भी इंसिडेंट सामने नहीं आया है। दूसरी पाली की परीक्षा अभी शुरू होगी 3 बजे करीब। उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं, प्रश्न पत्र सही जगह पे पहुंच गए हैं और वो भी सारी व्यवस्थाएं सही हैं और वो भी शांतिपूर्वक परीक्षा करा ली। खबर आजमगढ़ से है, जहां बाढ़ को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार व एसपी सुधीर सिंह द्वारा बाढ़ क्षेत्र गंगेपुर मठिया का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने सभी बाढ़ चौकियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। वही सिंचाई विभाग की टीम को 24 घंटे बंधे पर मौजूद रहने का निर्देश दिया और बंधे पर हो रहे कार्य का निरीक्षण किया। ज्ञात हो कि आजमगढ़ के उत्तरी भाग की सगड़ी तहसील में घाघरा की बाढ़ से हर साल तबाही मचती है और लाखों लोग प्रभावित होते हैं और फसलों के साथ ही पशुओं के चारा की व्यवस्था भी होना मुश्किल हो जाता है। आइए सुनते हैं कि डीएम और एसपी ने बाढ़ क्षेत्र के दौरे के दौरान क्या कुछ कहा। गांगेपुर मठिया बांध पे अभी निरीक्षण करने हम कप्तान साहब और एक्सिन साहब और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब हैं। लगातार हम लोग इस पे नज़र बनाए हुए हैं और पूरी सिंचाई विभाग की टीम यहाँ पे लगी है। काफ़ी लेबर भी 200 से अधिक यहाँ पे लगी, दिन रात काम कर रही है और बांध जो है पूर्णतः सुरक्षित है और एक्सिन बाढ़ खंड के अनुसार उस बाढ़ को किसी भी तरह कोई क्षति नहीं है। बंदे को वो बचा के पूरी पूर्णतः सुरक्षित है। तो गांव वासियों को हम यही अपील करना चाहेंगे कि किसी तरह का पैनिक ना करें और सचेत रहें और संपर्क। गांगेपुर निरीक्षण किया गया। देखिए, आज डीएम साहब के साथ यहाँ आए थे। बाढ़ चौकी सारी एक्टिवेटेड है और पुलिस दिन रात यहाँ पर गश्त कर रही है, ध्यान रख रही है। जो जहाँ जहाँ भी कभी आवश्यकता होगी तो उन्हें इवैक्यूएट कराया जाएगा, उन्हें वहाँ से हटाया जाएगा और बाकी अभी स्थिति ठीक है। और जैसा एक्सचेंज साहब ने बताया, यहाँ पर अभी अंडर कंट्रोल है और जो व्यवस्थाएं उससे कंट्रोल। आजमगढ़ जिले में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है और 3 दिनों के अंदर पुलिस ने मुठभेड़ में कई को गिरफ्तार किया और कई को गोली भी लगी। इन सभी बदमाशों के ऊपर विभिन्न थानों में दर्जनों से ऊपर आपराधिक संगीन मुकदमे दर्ज थे। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर आजमगढ़ जिले के जहानागंज कस्बे में युवक को गोली मारने के बाद फरार हुए बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया है। एक बदमाश को घटना के बाद ही स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। युवक को गोली मारने की घटना में शामिल दोनों बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार की शाम जहानागंज कस्बे में मुमताज को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया था, जबकि दूसरा बदमाश मौके से भाग निकलने में सफल हो गया था। फरार बदमाश के पीछे पुलिस टीम लगी थी और उसे लंगड़ा बाबा से भुजही नहर वाली रोड पर घेर लिया गया। पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायर किया। पुलिस की गोली भाग रहे बदमाश के पैर में लगी और वह घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ लिया और तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। मुठभेड़ में घायल बदमाश का नाम सलाउद्दीन पुत्र मोहम्मद जलील निवासी भरतपुर थाना बरियाबाद जिला गाजीपुर है। इसके पास से पुलिस ने बाइक तमंचा व कारतूस बरामद किया है। एसपी ने बताया कि एक बदमाश को स्थानीय लोगों ने पकड़ा था तो दूसरे को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आज लगभग 4:15 बजे जहानागंज थाना क्षेत्र के साईं बाबा ढाबा पर श्री मुमताज अपने स्वीट कार से रुके थे। अचानक एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उसके द्वारा उन पर फायर किया गया। जो उनके द्वारा हाथ से रोकने की कोशिश की तो फायर उनके हाथ में भी लगा और गर्दन के पास लगा, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल ले जाया गया और वो उपचाररत हैं। इस घटना के तत्काल बाद
पूरे जनपद में सीमाएं सील करके अभियुक्त की तलाश की गई और चेकिंग कराई गई। अभी कुछ समय पूर्व एक मोटरसाइकिल लंगड़ा बाबा से भुजई नहर पुल की तरफ आती हुई दिखाई गई। पुलिस पार्टी द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। काउंटर फायरिंग में उस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उस अभियुक्त का नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है, जो कि गाजीपुर जनपद का रहने वाला है और इसके द्वारा मुमताज को गोली मारा जाना स्वीकार किया गया है। इसके पास से तमंचा बरामद हुआ है जिससे उसके द्वारा गोली मारी गई थी, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं मौके से, मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक पिट्ठू बैग बरामद हुआ है। अभी इसे तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, इसे पूछताछ की गई जाएगी कि क्या घटना का क्या मोटिव था और क्यों उसके द्वारा गोली मारी गई। आजमगढ़ में कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में न्याय पंचायत अध्यक्षों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पालीवाल मेरछाल हरबंसपुर में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण शिविर के मुख्य अतिथि बाजीराव खाड़े, सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं विशिष्ट अतिथि विश्व विजय सिंह उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मणिन्द्र मिश्र महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अहमद शमसाद सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रहे। प्रशिक्षण शिविर के संयोजक प्रवीण कुमार सिंह जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से आए प्रशिक्षक राजेश तिवारी, सत्यवीर सिंह, गिरसंत यादव, शाहनवाज असलम, मनीष कुमार सिन्हा ने न्याय पंचायत अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण शिविर का आरंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ। तत्पश्चात कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देशानुसार गाँव तक कांग्रेस का मजबूत संगठन खड़ा करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के दिशा निर्देश पे गांव में कांग्रेस कैसे मजबूत हो इसकी तैयारी को लेके ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके का शिविर आज से पूर्व में भी चलते रहे हैं, जो आज की ज़रूरत है। वर्तमान सरकार जिस तरीके से झूठ गांव के लोगों को आवाम में परोस रही है, जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रही है, उन सब के खिलाफ लोगों को जागरूक करना और कराना ही लक्ष्य, इसको लेके ही ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, बीजेपी धर्म के नाम पर, सपा बसपा जात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, इससे आप लोग कैसे निपटेंगे? इस समय की मांग है और जनता इस बात को बखूबी समझ गई है और भाजपा के जाल में फंसने वाले नहीं है। जाति, धर्म, संप्रदाय, सबका जो मांग है वो है बेरोजगारी, सबका मांग है पैसा, सबका मांग है काम, सबका मांग है खेती किसानी। आज सब चौपट हो चुका है, जनता के मुद्दे पे सरकार फेल है और उन सबको जागरूक करने के लिए अब जिम्मेदारी उन्हीं कांग्रेस के सिपाहियों को है जो किसी वक्त गोरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया था और वक्त आ गया है कि अब काले अंग्रेजों को इस देश से दूर किया जाए जिससे हमारा देश फिर से खुशहाली बने। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील के महाराजगंज ब्लॉक के अंतर्गत श्रेष्ठ ट्रैक्टर्स के शोरूम पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड का एक नया ट्रैक्टर मॉडल महिंद्रा एसपी सीरीज को महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर डिवीजन के टेरिटरी मैनेजर जितेंद्र तिवारी एवं श्रेष्ठ जायसवाल, श्रेष्ठ ट्रैक्टर्स के प्रोप्राइटर व EKTM अमरकांत मिश्र ने संयुक्त रूप से ट्रैक्टर को किसानों को समर्पित किया तथा उन्होंने किसानों से ट्रैक्टर के खूबियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर के इंडस्ट्री में महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर लगातार 35 वर्षों से भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में नंबर वन ट्रैक्टर के रूप में जाना जाता है और 6 साल की वारंटी देने वाला मात्र महिंद्रा ट्रैक्टर ही है जो आप किसानों को 6 साल की वारंटी देता है। प्रोप्राइटर श्रेष्ठ जायसवाल ने अपने किसानों से बात करते हुए कहा कि ट्रैक्टर से संबंधित किसी भी समस्या का निराकरण 24 घंटे के अंदर करने के लिए मात्र महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी एक ऐसा ट्रैक्टर कंपनी है जो तत्काल उसका निवारण करती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कृषि के विजय बहादुर यादव ने बताया कि कृषि से जुड़कर जिन लोगों ने टेक्निकल खेती किया, जैसे रिंटल पर एम्प्लीमेंट ले जाकर के खेती की, उन लोगों को कंपनी के द्वारा पुरस्कार दिया गया तथा अन्य पुरस्कारों में जो कृषि के माध्यम से जुड़े रिटेलर्स हैं उन्हें भी अवार्ड दिया गया तथा किसानों को छाता, ट्रॉली बैग, टॉर्च से प्रशस्ति पत्र, अन्य कई और उपहार दिया गया। उपहार पाने वालों में अरविंद यादव, मोतीलाल यादव, अनुराग सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित थे। जो कर रहे हैं, किस चीज पे कर रहे हैं कि आप लोगों की जो बेसिक समस्या है, बातें हो जाती हैं रेंटल ये है वो है, लोग समझ नहीं पाते कि हम काम किस चीज पे कर रहे हैं।
हम लोग ये चाहते हैं कि किसान को जो समस्या आ रही है खेती करने में या खेती से प्रॉफिट कमाने में, उस पर बैठ के बात करें। अगर कोई किसान गन्ने की खेती करता है, वो आए हमारे यहाँ, अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है तो उसको कंपनी लेवल से, बहुत से किसानों को हम लोग बात करते हैं तो उसमें निकल के रिजल्ट आता है कि किसान खेती तो कर रहा है लेकिन जितना आता है उससे ज़्यादा उसमें लगा दे रहा है। सबसे ज़्यादा अपने यहाँ किसानी में सबसे बड़ी गलती ये हो रही है। तो कृषि ई को शुरू करना मेरा कोई बिजनेस का मोटिव नहीं था कि मुझे कोई उससे पैसा कमाना है या ऐसा कुछ, भाई बिजनेस तो सब लोग करते हैं लेकिन अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो उससे कुछ होता नहीं है हमारे पास, हम किसी और चीज़ को भी करके ज़्यादा कर सकते हैं। बरिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सुखपुरा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस के साथ 4 साथी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 4 मोबाइल भी बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन में अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने व लुटेरों बदमाशों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सुखपुरा पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 अगस्त को थाना सुखपुरा के प्रभारी निरीक्षक गणराज सिंह के नेतृत्व में व एसओजी प्रभारी संजय सरोज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों शैलेश यादव, अफरोज, अजय विश्वकर्मा और नितेश सिंह पुत्र स्वर्गीय तुलसी सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और कौन कौन से लोग थे, कितने अपराधी थे, किस घटना में संलिप्त थे? पिछली रात में थाना शुक्रा और एसओजी के ज्वाइंट ऑपरेशन से ये निगोटिया बाबा तो मंदिर के पास से 4 अपराधी हैं जो पकड़े गए हैं, जो कि डकैती की योजना बनाते हुए थे। इसमें से एक आदमी, इनके 5 लोग थे, इसमें से एक आदमी इनका भाग गया, वो नहीं पकड़ पाया, 4 आदमी पकड़े गए हैं। दिप्पे के पूर्व में भी कई थानों के मुकदमे रहे हैं, इनका आपराधिक इतिहास है चारों का। इसमें जो ये नितेश नाम का अपराधी है इसके ऊपर 3 मुकदमे हैं, अफरोज है इसके ऊपर 3 मुकदमे हैं, अजय है इसके ऊपर 1 मुकदमा है और शैलेश के ऊपर 10 मुकदमे हैं जो विभिन्न थाना विभिन्न जनपदों में कायम हुए हैं। क्या क्या बरामद इसमें इनके पास से कट्टे हैं, सभी के पास एक पास कट्टे मिले हैं सभी चारों के पास, और इसमें इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और भी कहीं लूट के मामले में संलिप्त अपराधी अब रहे हैं, ये अन्य जनपदों में भी रहे हैं, इनका ये जो आपराधिक इतिहास है इसमें लूट के भी मुकदमे हैं जिसमें ये लोग संलिप्त रहे हैं। जौनपुर जनपद में पुलिस अधीक्षक अजय सहनी के निर्देश पर विभिन्न थानों की पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की योजना बनाते समय 2 साथी और डकैती की योजना बनाते समय 5 साथी यानी कुल 7 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आज थाना चंदवक पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसपी के निर्देश पर थाना चंदवक पुलिस ने अपनी पहली कार्रवाई में चोरी की योजना बनाते समय 2 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 1 प्लास, 1 लोहे की सरिया और 1 लोहे की सुमी बरामद की है। तो वही थाना चंदवक पुलिस द्वारा डकैती की योजना बनाते समय 5 साथी अपराधी गिरफ्तार किए हैं और उनके कब्जे से 1 तमंचा, 1 कारतूस, 3 लाठी व 1 लोहे का पाइप बरामद किया है। देखिए, थाना चंदवक क्षेत्रांतर्गत कल रात्रि में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत 2 डकैतों के गिरोह को चंदवक पुलिस ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। 1 डकैती के गिरोह जो विनोद ज्वेलर्स की दुकान में डकैती करने की योजना बना रहे थे, 5 सदस्य का ये गिरोह है, और दूसरा गिरोह 2 सदस्यों का है जो संजय सेठ ज्वेलर्स की दुकान में डकैती करने की योजना बना रहे थे, वो चंदवक पुलिस ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया है। इन सभी अभियुक्तों के पास से डकैती करने के उपकरण यथा तमंचा, बांस, लोहे का सरिया, राड, कुंभी आदि इत्यादि सामान बरामद हुआ है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये सभी शातिर डकैत हैं जो क्षेत्र विशेष में रात्रि में खासकर सोने चांदी की दुकानों में चोरी करने का काम करते थे।
इन सभी को गिरफ्तार करके विधिक कार्यवाही के तहत मुकदमा पंजीकृत करके इनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। भविष्य में इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही भी की जाएगी। वाराणसी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। प्रॉपर्टी डीलर एनडी तिवारी की सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर एनडी तिवारी की सनसनीखेज हत्याकांड का क्राइम ब्रांच द्वारा खुलासा किया गया है। हत्या में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार किए गए हैं और हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, स्कॉर्पियो गाड़ी और मोबाइल बरामद किया गया है। बता दें कि 5 अप्रैल 2021 को थाना रोहनिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुरहुआ में सुलटंकेश्वर महादेव मंदिर मार्ग पर समय करीब 10 बजे रात्रि प्रॉपर्टी डीलर नारायण दत्त तिवारी उर्फ एनडी तिवारी की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में भाई डीपी तिवारी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी के नेतृत्व में अश्विनी चतुर्वेदी क्राइम ब्रांच वाराणसी ग्रामीण तथा प्रभारी निरीक्षक रोहनिया की संयुक्त टीम गठित कर सफल अनावरण हित निर्देशित किया गया था और पुलिस ने आज उन कामयाबी हासिल की है और प्रॉपर्टी डीलर एनडी तिवारी की सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। एक बहुत अच्छी हत्याकांड हुआ था, श्री एनडी तिवारी जी की हत्या कर दी थी गोली मारकर। उसमें आज एक हमने फर्दर जो खुलासा किया है कि जो कॉन्स्पिरेसी इसमें निकल के आई थी, क्योंकि हम लोग उसमें दो शूटरों का बात आई थी, दो शूटरों के पीछे हम लोग लगे हुए थे, हमारी टीम जो है क्राइम ब्रांच, तो उसमें जानकारी ये हुई कि उसी क्षेत्र के जो कुछ दूसरे प्रॉपर्टी डीलर और जो कुछ पर्सनल इनसे राइवली मानते थे अनिल तिवारी से, उनके द्वारा एक घटना कारित की गई थी, जिसमें राजेंद्र सिंह राजेंद्र सिंह जो है उसी क्षेत्र में, ये भी अपनी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलिंग में प्रॉपर्टी डीलर हैं। दूसरे जो देवेंद्र नारायण सिंह हैं, ये मुन्ना सिंह अकरी भी इनके कोई के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये भी प्रॉपर्टी में वहाँ डीलिंग में सक्रिय रहते हैं और एक जूनियर स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं। साथ ही साथ इनके जो जो देवेंद्र नारायण सिंह हैं, इनके बेटा जो रिंकू है उसको 2 साल पहले एक हत्याकांड में, वो डब्लू मिश्रा हत्याकांड में जेल गया था, उसमें जो एनडी तिवारी थे उन्होंने प्रशासन की इस केस को खुलने में मदद करी थी और जो डब्लू मिश्रा का सहयोगी उसके पास पहुंचाया था उसमें मदद से, तो उसी में ये देवेंद्र नारायण सिंह जो है उसमें दुश्मनी इनसे मानते थे। इन्होंने देखिए ये पूरी कॉन्स्पिरेसी एक जनरेट करी और जो इस बनारस का ही एक 2 लाख का इनामी है मनीष सोनू, उसको साथ में लेके अपना वर्चस्व ये उस क्षेत्र में लेना चाहते थे, क्योंकि एनडी तिवारी क्योंकि पुराने प्रॉपर्टी डीलर थे, उनको हटा के अपना एक वर्चस्व वहाँ काम कायम करना चाहते थे। उसी के साथ ही एक हेमंत नाम का लड़का था देवेंद्र सोनू का, ये दोनों शूटर चिन्हित हुए हैं और उनके ही द्वारा ये घटना उस रात को खारिज की गई थी। कई दिन से उनके पीछे वो लगे हुए थे, लेकिन 5 तारीख को ही उन लोगों को मौका मिला सनसनीखेज मंदिर से जब अंधेरे में वापस आ रहे थे, उसके द्वारा जो है घटना को खारिज किया गया। सर कुल की गिरफ्तारी कितनी हुई है और बरामदगी क्या है इसमें? देखिए 3 अभी गिरफ्तारी हुई है, इसमें 2 जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं, एक लड़का जो जिसने लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा वेपन्स वगैरह पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको मुहैया कराया था, आयुष शर्मा नाम का लड़का है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, और इसमें देवेंद्र नारायण सिंह और राजेंद्र सिंह और राजन, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोग अभी इसमें शेष हैं, जो पहले शूटर्स चिन्हित नहीं थे वो शूटर्स भी चिन्हित हो गए हैं, उनके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है, और एक जो देवेंद्र नारायण सिंह है उनका जो लड़का है रिंकू, उसके भी अभी वो इसमें नाम इस मामले में पहले भी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो क्या भूमिका क्या कुछ? वो देखिए उन वादी के द्वारा ही, जो एनडी तिवारी के भाई डीपी तिवारी, उनके द्वारा उनको नामित कराया गया था उस समय, तो उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उनके बारे में अभी देखिए हम लोग गहनता से और हम लोग जांच कर रहे हैं विवेचना में, साथ ही साथ लीगल ओपिनियन भी लिया जा रहा है कि उसमें उनके लिए हम आगे फर्दर क्या करें। क्या कारण रहा सर? बेसिकली ये देखिए जो प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य को लेकर जो चिपलून से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रत्नागिरी सत्र न्यायालय ने नारायण राणे की गिरफ्तारी पूर्व जमानत खारिज कर दी। इसके तुरंत बाद उन्हें रत्नागिरी पुलिस ने संगमेश्वर की कोलवाली से गिरफ्तार कर लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने स्वतंत्रता दिवस पर बोलते हुए हीरक जयंती को स्वतंत्रता दिवस बताया। इसका जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा, मैं अपने कानों के नीचे शोर करता। शिवसेना ने उनके बयान का राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किया। राणे के बयान पर आपत्ति जताने पर उनके खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपराध दर्ज किए गए हैं। Let's go!
देने दे रहे इसको। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत आज पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में उनके पास से गोमांस बरामद किया है। बता दें कि जैनपुर पुलिस ने जहां 40 किलो गोमांस, एक अदद चाकू, एक अदद लड़की का ठिया के साथ जहां दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वहीं रानी की सराय पुलिस ने भी कार्ड धारकों को मिलने वाला गेहूं व चावल की कालाबाजारी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर थाना जैनपुर व थाना रानी की सराय पुलिस ने की है। आजमगढ़ की मुबारकपुर पुलिस ने विगत दिनों क्षेत्र में हुई लूट का खुलासा कर दिया है और मामले में संलिप्त दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 7 अगस्त को थाना क्षेत्र में लूट हुई थी, जिसका आज पुलिस ने सफल अनावरण कर एक तमंचा, अदद जिंदा कारतूस और लूट के माल बरामद कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताते चलें कि 7 अगस्त को आवेदक शंभुनाथ पुत्र स्वर्गीय रामकरण सिंह, ग्राम ओझौली, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा स्थानीय थाने पर सूचना दिया गया था कि ओझौली पुलिया के पास एक मोटरसाइकिल नंबर पर बैठे 3 आदमी, जिनका नाम पता अज्ञात है, ये लोग मेरी गाड़ी को रोककर मेरे पास से 50,000 रुपये व गले की चैन व अंगूठी व मोबाइल लूटकर भाग गए। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर SP सुधीर सिंह के निर्देश पर विवेचना करना शुरू कर दिया और इस मामले में गंभीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थ तोमर के कुशल नेतृत्व में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर SP सिंह व स्वाट टीम की सर्विलांस टीम की मदद से आज पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, वो भी लूटे गए माल की बरामदगी के साथ। समाजवादी युवजन सभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव उदय प्रकाश यादव का जनपद में पहुंचने पर पार्टी के युवाओं नेताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने किया। संचालन छात्र सभा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष आशीर्वाद यादव ने किया। नेहरू हॉल में फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उदय प्रकाश यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसका पालन करते हुए मैं सभी जनपदों में जाकर वहां के युवा संगठनों की समीक्षा कर उनको आने वाले 2022 के महत्वपूर्ण चुनाव में किस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष 351 विधानसभा विधायक का लक्ष्य पूरा करेंगे। उन्होंने कहा, आज भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा पीड़ित नौजवान, किसान व विद्यार्थी हैं। करीब 1.5 साल से शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। गांवों के गरीबों, किसानों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। हम लोग किसानों के बेटे हैं। आज खेती से कोई व्यक्ति अपने बच्चे की शिक्षा चिकित्सा का इंतजाम नहीं कर सकता। नौजवान बेरोजगारी की मार से मारा मारा फिर रहा है। किसान अपनी माँओं को लेकर सड़कों पर बैठा है। नौजवानों को नौकरी मांगने पर सरकार लाठी से पिटवाती है। श्री यादव ने कहा कि नौजवान, किसान, बेरोजगार, गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग चाहते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। परिप्रेक्ष्य में विभिन्न 32 जनपदों में हमारा दौरा है, उसी क्रम में आज हम आजमगढ़ आए। आजमगढ़ समाजवादियों की धरती है। यहाँ पे नौजवान से लेके बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जो भी यहाँ पे वो सब समाजवादी रंग में रंगा हुआ है। आजमगढ़ की धरती से हमको प्रेरणा मिलता है, वही यहाँ से आजमगढ़ से कुछ सीख लेके जाना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पे समाजवादियों का हौसला बुलंद है, समाजवादियों की आवाज़ बुलंद है और समाजवादी यहाँ पे एकत्रित होकर एक साथ चलके इस पूरे प्रदेश को एक संदेश देना चाहते हैं। वही सब चीज़ों को लेके आगे के जनपदों में ले जाने का काम करूँगा। किस तरह से आप युवाओं को जोड़ेंगे और किस तरह से अपने सपा को मजबूत करेंगे? आप युवाओं के सामने अगर आज की वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या है तो समस्या है वह सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है। आप याद करिए, जब बहन मुक्ता कुशवाहा अपने नौकरी को लेके जो उसके साथ उसमें भर्ती घोटाला में भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है, उसको लेके बहन मुक्ता कुशवाहा प्रदर्शन करती है लखनऊ में तो उसका हाथ तोड़ दिया जाता है, उसका पैर तोड़ दिया जाता है। याद करिए शिक्षा मित्रों की समस्या, तो जब वो अपने मानदेय को लेकर अपने तमाम सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन करते तो उनका हाथ पैर तोड़ दिया जाता है। जो भी नौजवान जो बेरोजगारी का मुद्दा लेकर लखनऊ में प्रदर्शन करता है उसका हाथ पैर तोड़ के उनका सर फोड़ के उनको सदर अस्पताल में भेजने का काम करती है योगी सरकार। इन तमाम को लेके नौजवानों में आक्रोश है और नौजवान चाहता है कि ऐसी सरकार आए जिसमें रोजगार हो और वह सरकार केवल और केवल समाजवादी सरकार होगी, माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व में 2022 की समाजवादी सरकार। आगामी 2022 चुनाव आ गया है,
किस तरह से युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे आप और किस तरह से अपने साथ लेकर चलेंगे? हम युवाओं को जो भी हमारे फ्रंटल के चार छात्र सभा हुआ, यूजन सभा हुआ, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड हुआ, लोहिया, इन तमाम नौजवानों को जो इस कमेटी में जिलाध्यक्ष हैं, इन सबको एक साथ समीक्षा बैठक की मीटिंग होगी और हम चाहते हैं कि हर विधानसभा से ऐसे तमाम नौजवान निकलें जिनका एक बायोडाटा के रूप में निकले, जो चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, ऐसे नौजवानों का एक हजूम, एक जत्था, उसको एकत्रित करके तो हम सब उनके साथ मिलकर बूथ स्तर पर काम करेंगे, एक नौजवानों की लंबी फहरिस्त, लंबी फौज तैयार करने का काम करेंगे। अब कहाँ कहाँ आप लोग का दौरा चलेगा? इससे आगे का जो दौरा है हम लोगों का, वह यहाँ से हम लोग जौनपुर जाएंगे, जौनपुर से चंदौली, चंदौली से बनारस, बनारस से इलाहाबाद, कौशाम्बी, मिर्जापुर, भदोही, चित्रकूट, बांदा, करवी, महोबा, कानपुर, कौशाम्बी, फिर लखनऊ, उसके बाद आगे 8-7-8 तारीख से पश्चिम के जो जिले हैं वहाँ पे दौरा होने वाला है।